ओम नमः शिवाय। वाग्रता विव संप्रक्तो वाग्रता पतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राहु ग्रह के प्रभाव के बारे में। आने वाले दिनों में राहु ग्रह का प्रभाव मकर राशि पर कैसा रहने वाला है, इस पर मैं विशेष जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। जो राशिफल बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपने चंद्र राशि बतानी, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशि पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहां पर 10 अंक लिखा, वो आपकी राशि मकर राशि है और आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह बनते हैं। जो आपकी राशि द्वितीय भाव में है अभी और आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी है, आपकी राशि से तृतीय भाव में राहु ग्रह विराजमान है और राहु ग्रह तृतीय भाव में बहुत बलवान माने जाते हैं और पूरे एक वर्ष से राहु ग्रह आपके तृतीय भाव में विराजमान है। अभी राहु ग्रह जो है मीन राशि के अंतिम नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं, फिर द्वितीय चरण में करेंगे, फिर राहु ग्रह प्रथम चरण में, फिर पूरा भाद्रपदा के चौथे चरण में जो गोचर कर रहे हैं, जब तीसरे चरण में जाएंगे तो आपके धन भाव में चले जाएंगे। और राहु ग्रह जब गोचर करते हैं तो राहु ग्रह जिस राशि में जाने वाले होते हैं उससे पहले 3 महीने पहले उस भाव का फल देना प्रारंभ करें, यानी धन भाव का फल राहु ग्रह 3 महीने पहले देना प्रारंभ करें। और राहु ग्रह का जो 7 महीने बचे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, वो उत्तम होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि राहु ग्रह यहां पर 19 मई 2025 को परिवर्तन होकर के आपके धन भाव में चले जाएंगे और आपकी राशि पर शनि की साढ़े साथी है और आप मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। आपकी शनि की साढ़े साथी भी समाप्त होने वाली है। 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह आपके धन भाव से निकल करके आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में आ जाएंगे और यहां पर राहु और शनि का योग बनेगा। 50 दिनों के दोनों ग्रह एक साथ तृतीय भाव में रहेंगे, इस पर भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। इस योग से भी आपको फायदा ही होने वाला है। तो राहु ग्रह की जो दृष्टियां समझ लीजिए, राहु ग्रह की जो है 3 दृष्टियां हैं। राहु ग्रह यहां से जो है आपके दाम्पत्य भवन को देखते हैं, यानी पार्टनरशिप के जो भी काम होते हैं उस भाव को देखते हैं, आपके लाइफ पार्टनर को भी देखते हैं, पार्टनरशिप के कामों को भी देखते हैं। और राहु ग्रह यहां से सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य को देखते हैं और राहु ग्रह की जो नवम दृष्टि है वो बहुत उत्तम है। राहु ग्रह की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव में और राहु ग्रह जो उत्तम फल देते हैं वो देते हैं तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में। और राहु अभी आपके पराक्रम में बैठे हैं जो आपके लिए शुभ संकेत है, लेकिन जो परेशानियां जो आपको हल्की फुल्की है वो आपके शनि के कारण है। लेकिन आने वाले दिनों में दोनों ग्रह आपके लिए 7 महीने जो हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं आने वाले दिनों में। साथ में राहु ग्रह पराक्रम में बैठ करके आपके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत, क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठ रहे हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है और आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। राहु ग्रह आपके रुके हुए काम, पहले तो जो रुके हुए काम है, जो डिले है, क्योंकि धन भाव में शनि बैठे हुए तो आपके काम जो है बहुत मध्यम गति से चल रहे हैं, आपके काम बन नहीं रहे, बन भी रहे तो बहुत मध्यम गति से बन रहे हैं, एकदम नहीं बन पा रहे, आप बहुत थक चुके हैं। लेकिन ये योग जो है आपके लिए बहुत उत्तम बना हुआ है, आपके जो रुके हुए काम है वो तेजी से चलेंगे। राहु ग्रह अकेला ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को मालामान बना देता है, करोड़पति बना देता है। जितने भी करोड़पति अरबपति लोग बने हैं वो सिर्फ एक ग्रह के कारण से बने, और राहु की पोजिशन अगर कुंडली में बढ़िया है ना तो व्यक्ति मालामाल बन जाता है। तो यहां पर भी गोचर में आपके लिए बहुत उत्तम योग बना हुआ। वैसे तो मकर राशि वाले आलसी होते हैं, बहुत लेट काम करते हैं, वो काम करने से पहले 50 दफे सोचते हैं, तो इस समय आपने सोचना नहीं है, आप आगे बढ़िए, क्योंकि नवीनता क्या, जितने नए काम आप करेंगे उतने आप तरक्की करेंगे। अपने अंदर नवीनता लाइए, बदलिए अपने आप को, अपने खान पान बदलिए, अपना चलन बदलिए, व्यवहार बदलिए, अपने घर का वातावरण बदलिए। देखिए राहु ग्रह बदलाव करने से ही अच्छा फल देता है। अगर आपके घर में जो है आपकी अशांति है, परेशानी है, दुख है, कष्ट है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, उलझने बढ़ रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो राहु ग्रह के प्रभाव के कारण से,
क्योंकि आपने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया। राहु का परिवर्तन हो चुका है लेकिन अपने आपने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया। घर के वातावरण को चेंज, घर की तस्वीरें चेंज करिए, घर का बेड बेड चेंज करिए, जहां आप सोते हैं थोड़ा परिवर्तन करिए। घर के अंदर आप अपने पर्दे बदलिए, तस्वीरें बदलिए, कुछ ना कुछ कलर को चेंज करिए घर का, जिससे आपको शांति का एहसास हो और आपकी बुद्धि बहुत तीव्र गति से काम करने वाली है। राहु के तृतीय भाव में बैठने से व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र गति से काम करती है। वो जो निर्णय लेता है उस निर्णय में राहु उसका साथ देता है। देख लीजिए तृतीय भाव में अब उपचय भाव है। उपचय भाव पापा ग्रह जब बैठते हैं तो व्यक्ति को लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। देख लीजिए आपके काम तो बन नहीं रहे हैं लेकिन आप लगातार लगे रहेंगे ना उस काम पे, तो निकल रख लो आप उस काम में, आप बहुत ज्यादा उन्नति करोगे लास्ट में, अंत में। क्योंकि राहु ग्रह जिस काम में व्यक्ति लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा, क्योंकि राहु ग्रह उसमें सुख शांति समृद्धि धन ऐसो आराम प्रदान करने वाले बनते हैं तीसरे राहु, तीसरे घर के राहु। और राहु ग्रह आपको बल प्रदान करेंगे। राहु बाहु बलम करो सततम, राहु जो इतना बल दे देते हैं व्यक्ति को, आत्मविश्वास दे देते हैं कि बेटा कर, उठ खड़ा हो, आप हारो मत, आप लगातार कर्म करो और कर्म करने से मैं आपके साथ हूं। तो यहाँ पर बड़े भाई से विवाद है, छोटे भाई से विवाद है, उनसे बड़ों से फायदा होने का पूर्ण योग मकर राशि वालों का बन रहा है। बड़े भाइयों से फायदा, छोटे भाइयों से फायदा होकर रहेगा। और आपके जितने भी विवादित मामले हैं, जो आपसे विवाद कर रहे हैं या आपसे कोई झगड़ा कर रहा है या कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या आपका डिवोर्स का केस चल रहा है या आपके कोई भी विवादित केस चल रहे हैं, धन संपदा पैसा अटका हुआ है, रुका पड़ा हुआ है, कहीं कोई व्यक्ति आपका कर्ज नहीं दे रहा है, तो यहाँ राहु ग्रह सब कुछ करने वाले हैं। आपको एकदम स्ट्रांग रूप से खड़ा होना है और आपको उससे नजर से नजर मिलाना उस व्यक्ति से, और मांगना अपना धन आपको प्राप्त होगा, राहु आपको दिलाएंगे और सामने वाला जो है आपसे परास्त हो जाएगा, ऐसा राहु है ये। और राहु आपके अंदर नवीनता नई कारोबार के लिए बढ़िया है, विदेश जाने के लिए बढ़िया, विदेश से जुड़े हुए रोजगारों से पैसा लेने के ऊपर बढ़िया, धन संपदा को बढ़ाने का योग, साथ में घर से बाहर निकलने का योग। राहु ग्रह अपने घर से बाहर कराता है, राज्य से बाहर कराता है, गांव से बाहर कराता है, शहर से बाहर कराता है, देश विदेश की यात्राएं कराता है, तभी व्यक्ति उन्नति करता है। जब एक ही जगह पर चिपका रहता है तो उन्नति नहीं करता है व्यक्ति। राहु ग्रह आपकी उन्नति तभी देखे जब आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे। देखिए थोड़ा दाम्पत्य भाव में थोड़ा उलझने राहु देंगे, आपके दाम्पत्य भाव में लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा आपका खटपट हो सकता है, उसके लिए आपने थोड़ा शांत रहना, गुस्सा नहीं करना है लाइफ पार्टनर के साथ, वरना तो जो भी डिवोर्स के काम तो बन ही रहे हैं, विवाद के काम बन ही रहे हैं, जो राहु बहुत बलवान है तो आपके विवाद बढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने को शांत रखें, क्योंकि देवक गुरु बृहस्पति की पोजिशन आपके गोचर में बहुत अच्छी है। आपके इस भाव में पंचम भाव में वृषभ राशि में देवक गुरु बृहस्पति बैठे हुए, आपके अंदर इस समय ज्ञान भी है, सोचने समझने की शक्ति भी है, कैसे सामने वाले का से काम लेना है और कैसा पैसा निकालना है, कैसे आपने बुद्धि का प्रयोग करना है, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि देवक गुरु बृहस्पति ने बहुत अच्छी पोजीशन बना रखी है आपके। वाद विवाद से निपटारा करना और किसी बड़ी बात को निपटारा कर देना, उस बड़ी बात से नुकसान ना हो, ऐसी योजनाएं आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सी गुस्से पे कंट्रोल आपने रखना ही रखना है। और पार्टनरशिप के काम थोड़ा सा, जितने ज्यादा थोड़ा परेशानियां हो रही तो पार्टनर को बदल दीजिए आप। जो अगर पुराने पार्टनर से विवाद बढ़ा हुआ है तो छोड़ दीजिए उसको, आप नए पार्टनर के साथ आप काम करिए। नए पार्टनर से साथ काम करेंगे तो आपका काम जो है बढ़ेगा और आपको दिखेगा भी 7 महीनों में कि आपका काम कहां से कहां पहुंच गया, आपका व्यापार कहां से कहां पहुंच गया। और उन्नति, नौकरी में उन्नति चाहते हैं, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, किसी पदोन्नति आपके सरकारी डिपार्टमेंट में चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में चाहते हैं, तो थोड़ा चेंजिंग आप अपने अंदर करिए। जो मैंने कहा थोड़ा ऑफिस में भी थोड़ा टेबल चेंज कर दिए, लैपटॉप चेंज कर दिए, अपनी सीट को चेंज कर दीजिए, वहां का थोड़ा बहुत वातावरण चेंज कर दिए, अपने आसपास का जो व्यक्ति आपको लगता है कि मेरे अनुकूल नहीं है थोड़ा उससे दूर रहिए आप, तो आप उन्नति करेंगे। लेकिन विवाद आपने नहीं करना, अपने से बड़ों से भी विवाद नहीं करना है, सीनियर से विवाद नहीं करना, जूनियर से विवाद नहीं करना है, इतना ज्यादा आप दूर रहेंगे ठीक है। अगर आप सिर्फ तभी विवाद करते, आप आंख से आंख मिलाइए, वो सामने वाला आपसे परास्त हो जाएगा। और भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, केतु ग्रह यहाँ विराजमान है, तो भाग्य का साथ, आप परिश्रम पे ध्यान दीजिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, आप अपने विवेक का ज्ञान का यूज करिए, यूटिलाइज करिए अपने दिमाग को,
और सोचिए कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्षमता है, लेकिन आलस्य से क्या करना है। जब आलस्य त्याग हो तभी आप बन पाओगे, लगातार हर दिन आपने काम करना है, तो इससे आपका भाग्य भी बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, जो पुण्य है आपके पुण्य उदय होंगे, क्योंकि ये अर्थ धर्म अर्थ और ये काम कामना, जितनी आपने कामनाएं करोगे, जितना मेरी इच्छाएं होंगी मुझे ये मिलना चाहिए, वो कामना पूर्ति का ये घर है और आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में भाग्य के भाव पर भी दृष्टि है, तो आपके लिए बहुत उत्तम बात है, आपके काम बनेंगे, नौकरी में उन्नति होगी, व्यवसाय बढ़िया चलने का योग। लेकिन आपको जो मैंने बातें कही वो करिए, और लाभ के अवसर देखिए, रिस्क लेना है आपने, आपको लगता है ये इसमें रिस्क लेकर ही होगा तो आप रिस्क लीजिए, क्योंकि लाभ के अवसर राहु देगा ही देगा। दो भाव ऐसे स्ट्रॉन्ग हैं आपके, एक तो ये लाभ और ये पराक्रम। लाभ होगा जब आप परिश्रम करिए करेंगे, जब रिस्क लेंगे तभी आपको पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आपका घर में पैसा संभालने की मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि राहु तो टेबल के नीचे से भी देता है, ऊपर से भी देता है, दो नंबर का जितना पैसा है, रिस्क का जितना पैसा है वो सब राहु देता है। और ये जो योग बना हुआ है वो परफेक्ट आपके लिए ही बना है, क्योंकि आपको मिलने वाला है करप्शन का पैसा भी मिलेगा, और धर्म का पैसा तो आप कम से कम खाइए, अगर जितना धर्म से का पैसा खाएंगे कम खाएंगे तो आपकी उन्नति हो, धर्म का पैसा डकारोगे आप तो आपको मुसीबत होगी। इसलिए धर्म से, धर्म के पैसे से दूर रहिए, और आपका दो नंबर का पैसा, शेयर मार्केट से पैसा, लॉटरी से पैसा, रिस्क वाले जितने भी काम हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं वो करिए, और लगातार करते रहिए। ऐसा नहीं दो दिन आपको नुकसान होगा तो आप बैठ जाए, ऐसा मत करिए, क्यों राहु आपको देगा, एक ही दिन में आपको रात में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको लगे अगले दिन आपकी सुबह ही कुछ और होगी। ये देख लीजिए, लाभ के अवसर हर क्षेत्र में लाभ होगा, और राहु ने आपके लिए बहुत उत्तम योग, मैं कहता हूं आपके लिए बना रखा, कहीं से भी परेशानी, संतान का योग बन रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, और नवीनता आपके अंदर, ज्ञान की वृद्धि होने, रिसर्च की खोज राहु करता है, वो रिसर्च करता ही है राहु, नया करता जो व्यक्ति करता है वो राहु ही करवाता है व्यक्ति के साथ, तो रिसर्च का योग, नया करने का योग सब राहु बना रहे हैं। राहु का अच्छा फल लेने के लिए, जैसे स्वास्थ्य को संबंधित परेशानी हो जाने, स्वास्थ्य में परेशानी हो जाए, दाम्पत्य जीवन में विवाद आ जाना, उसके लिए आपने क्या करना, जब प्रेम अफेयर लव लाइफ के संबंधों में थोड़ा खटास पैदा हो जाना, उसके लिए आपने राहु के लिए उपाय करिए। बुधवार के दिन जीव जंतुओं को दाना दीजिए, पक्षियों को दाना दीजिए, कीट पतंगों को दाना दीजिए, गौ माता की सेवा करिए, गौ को चारा दीजिए, गौ का जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे हाथ से सहलाइए, गौ माता को प्यार करिए, गौ माता से अपनी कामना जो मनोकामना माता के कान में बोलिए, और वो उभरा हिस्सा आप सहलाइए, उसके बाद हाथ को चूमिए, देखिए आपका चमत्कार होगा। और गौमूत्र का नित्य सेवन करेंगे, और गणेश भगवान की द्वादश नाम से गणेश भगवान का अर्चन करना है, पूजन करना, रोज पाठ करना है, साथ में गणेश भगवान को दुर्वा लड्डू चढ़ाना है आपने। ये इससे करने से आपके रुके हुए काम, जो परेशानियां हैं लिख के रख लो कागज में, आने वाले दिनों में हो के ही रहेगा। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं, मजबूत हैं कुंडली में, तो आपके ये पोजिशन जो है आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि शनि की साढ़े साते भी आपके ऊपर से बहुत समय से, आप साढ़े सात वर्षों से रिस्क परेशानियों में हो, तनाव में, इतने ज्यादा आपने कष्ट देख लिए हैं कि आपके जब अब तो आंसू भी नहीं आते, मुझे समझ रहा हूं कितने दुख हैं आपको। लेकिन ये वर्तमान समय जो है, पंचमे देव गुरु बृहस्पति, यहां पर राहु और शनि के साढ़े साते समाप्त होना आपके लिए बहुत उत्तम बात हो जाएगी। आने वाले दिनों में आपके लिए साथ चमत्कार होने वाला है। मकर राशि वालों, अगर आप अपने जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।